आपने तो भगवान शिव के ऐसे मंदिर में गए होंगे जहां उनकी एक मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालु उनकी सच्चे दिल से पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में केवल 2 बार दर्शन देने के लिए आते हैं और पूरा मंदिर फिर जलमग्न हो जाता है? शायद नहीं देखा होगा। तो आइए आपको आज इस वीडियो में इस मंदिर से रूबरू कराते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुजरात में शिव जी का एक ऐसा मंदिर है जिसका अभिषेक खुद समुद्र देवता करते हैं। ये मंदिर वडोदरा से 85 किलोमीटर दूर स्थित जंबूसर तहसील के कावी कंबोई गांव में है। स्तंभेश्वर नाम का ये मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम को कुछ देर के लिए जलमग्न हो जाते हैं और कुछ देर बाद दिखाई देने लग जाता है। ऐसा ज्वार भाटा उठने के कारण होता है। इसके चलते आप मंदिर के शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और मंदिर तक कोई नहीं पहुंच सकता है। ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर स्थित है। इस मंदिर की खोज 150 साल पहले हुई। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस मंदिर से जुड़े एक पौराणिक कथा ये है कि शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपना तपस्या से खुश कर दिया था। इसके बदले शिव ने उसे मनचाहा वरदान दिया था। वरदान ये था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और पुत्र की आयु भी 6 दिन की ही होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिवजी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। असुर का वध कार्तिकेय ने कर दिया लेकिन शिव भक्त की जानकारी मिलने के बाद उन्हें बेहद दुख पहुंचा। कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। विष्णु भगवान ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुर का वध किया है वहां वो शिवलिंग की स्थापना करें। इस तरह इस मंदिर को बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थस्थल हैं लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और इसी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा सुबह शाम 2 बार होता है और लोगों द्वारा इसे शिव का अभिषेक माना जाता है।